आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है वायलेट ऐप। अगर वायलेट ऐप अनइंस्टॉल कर दें तो क्या इसका डेटा बैक, हम इसका डेटा रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, हम इसका डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। तो पूरा मैटर आपको बताऊंगा, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप को फॉलो करना तो इंशाल्लाह आपका डेटा दोबारा से रिकवर हो जाएगा। तो स्टेप को फॉलो करते जाएँ। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में से वॉलेट ऐप को तो डाउनलोड कर लेना है। तो आपने जो पासवर्ड दिया हुआ है उसको अपना पासवर्ड देना है जस्ट, तो ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐड शो होगा क्योंकि नेट ऑन है। तो ऐड को हम ऑफ करते हैं, इधर से बैकअप हो गया। तो यहाँ से इसका मेन जो पेज है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपको कोने पे ये सेटिंग का निशान नज़र आ रहा होगा, तो सेटिंग के निशान के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रंट पे यहाँ पे आएगा सेटिंग का निशान, सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेटिंग के निशान ऊपर क्लिक करने के बाद, तो सेटिंग निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सामने क्लाउड बैकअप सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने बैकअप सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है जस्ट। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो जो आईडी है वो जीमेल है वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपने वो इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से पहले इंटर किया हुआ है, तो आपने इसको इंटर कर लेना है। तो यहाँ से आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक जीमेल है जो अनवेरीफाइड लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर यहाँ से मैं जीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ जस्ट। जीमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वो जीमेल डालना है। जीमेल डालने के बाद आपके जो जीमेल के ऊपर एक पासवर्ड जाएगा, तो आपने वो पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करना है। तो सेंड ए पासवर्ड हो गया। ये देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है कि 72 घंटे में आपका वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा। तो हम ओके पे ऊपर क्लिक करते हैं। ओके पे ऊपर क्लिक करने के बाद हम जीमेल में जाके देखते हैं कि हमारा पासवर्ड आया है या नहीं आया है। तो ये देख सकते हैं हमारा जीमेल में ये पासवर्ड आ गया है। तो हम यहाँ से इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद ये देख सकते हैं आप सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। और मैं वहाँ पे आपको वायलेट ऐप में जाकर दिखाता हूँ कि वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जस्ट यहाँ से वायलेट ऐप में चलते हैं। यहाँ से आगे वायलेट ऐप में, वायलेट ऐप में आने के बाद यहाँ पर हम वायलेट ऐप को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसको अपना पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हमने सेटिंग में चले जाना है। ऊपर जो कोने में सेटिंग का निशान बना हुआ है, सेटिंग के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐड को बैक करते हैं हम, ऐड बैक हो जा। तो यहाँ से ऐड चल रहा है। तो यहाँ से हम दोबारा से सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से मेन सेटिंग में गए तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो जीमेल है वो वेरीफाइड हो चुका है ईजीली। तो यहाँ से आपका जीमेल है जो वेरीफाइड हो चुका है। तो हम अब इस ऐप को अनइंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या दोबारा से हमारा डेटा रिकवर होता है या नहीं। तो मैं यहाँ से, आपने देखा था वो एक पिक्चर उसमें पड़ी हुई थी, तो यहाँ से मैं को अनइंस्टॉल करता हूँ वॉलेट ऐप को। ये देख सकते हैं आपके सामने, तो यहाँ से मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब दोबारा से मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो दोबारा से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा वॉलेट ऐप हम इसको दोबारा से यहाँ से जो इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल होने तक यहाँ तक थोड़ी देर वेट करते हैं हम। तो ये देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलिंग होना शुरू हो गया, डाउनलोड हो चुका है। तो इंस्टॉल होने तक इसका वेट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से इंस्टॉल हो गया। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने दोबारा से इसमें लॉगिन करना है। तो आपने लॉगिन उसी जीमेल से करना है जिससे आपने वेरीफाइड किया हुआ है, तो आपका डेटा तब भी रिकवर हो सकता है। अगर आप अदर जीमेल से वेरीफाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्ट पे ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपने सेटिंग में चले जाना है सबसे पहले। यहाँ से सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन में जाना है आपने। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने वॉलेट ऐप जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसकी परमिशन जो है अलाउ कर देनी है। तो यहाँ से परमिशन इसकी सब आपने अलाउ कर देनी है। तो ये परमिशन इसकी अलाउ हो गई। तो यहाँ से हमने बैक आ जाना है। मेरा जो है मैंने पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं हम। नो थैंक्स। तो हम दोबारा से सेटिंग के ऊपर जाते हैं। यहाँ से बैक आ गए। बैक आने के बाद हम दोबारा से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं। फ़ोटो के ये देख सकते हैं हमारा वो जो पिक्चर था वो यहाँ से वापस आ गई है, रिस्टोर हो गई है। तो इस तरह से आपने वो जो जीमेल आपने डाला हुआ है वही जीमेल अगर आपने वेरीफाई कर दिया, तो देख सकते हैं मेरी वो जीमेल वेरीफाई थी। तो यहाँ से इस वजह से मेरा डेटा डिलीट नहीं हुआ। तो उम्मीद है वीडियो मज़े की लगी होगी। वीडियो मज़े की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।